तब चलते हैं जो फ्लैश मेमोरी में से कुछ जो अवशेष बचा था, पेन या फ्लैश मेमोरी, तो उसके बारे में जानते हैं। नाउ अ डेज, आजकल के दिनों में पेन ड्राइव आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनल स्टोरेज एंड डेटा ट्रांसफॉर्मिंग डिवाइस। आजकल के जो है पेन ड्राइव जो है बहुत यूज हो रहा है, आमतौर पर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में, जो हम उस वीडियो में थोड़ा सा बताए थे कि ये जो ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत अच्छा आसान होते हैं, इसमें से लगाओ उसमें कर लो, उसमें से लेकर इसमें कर लो, मतलब आसानी होता है। तो इट हैज़ एन अटैचमेंट स्लॉट विच कैन बी इजिली इंसर्टेड और अटैच्ड इनटू द कंप्यूटर्स यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किसी भी अगर सिस्टम में हमको लेना है तो आसानी से हम उसे इंसर्ट कर देते हैं, यानी लगा देते हैं। लगाने के बाद अटैचमेंट के थ्रू हम कंप्यूटर में अपना जो फोटो वगैरह उसमें स्लॉट कर देते हैं, डाल देते हैं या उसमें से ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये यूएसबी के थ्रू हम इसे लेते हैं, पोर्ट द रीड और लोड डाटा, यानी इस पोर्ट के माध्यम से यूएसबी पोर्ट जो होता है, जो पोर्ट होता है ना लगाने के लिए, तो पोर्ट के थ्रू हम इसे रीड यानी पढ़ सकते हैं या डाटा को लोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेमोरी स्टैटिक क्या है? तो मेमोरी स्टैटिक इज अ डेटा केबल फ्लैश मेमोरी कार्ड डिवाइस डेट वाज लॉन्च्ड बाय सोनी इन 1998। यानी कि देखो, ये मेमोरी स्टैटिक जो है, ये जो है डेटा केबल के थ्रू एक फ्लैश मेमोरी ड्राइव की तरह ही था, जिसको लॉन्च किया है सोनी कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 1998 में। ठीक है, द डेटा स्टोर इन मेमोरी कार्ड कैन बी रीड और राइट विथ अ मेमोरी स्टिक्स। यानी कि कह रहे हैं ना कि इसका स्टोर जो है मेमोरी कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन हम इसे रीड कर सकते हैं और इस मेमोरी स्टैटिक के थ्रू हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, राइट भी कर सकते हैं। टाइपिकली ए स्मॉल बॉक्स डेट कनेक्ट्स वाई यूएसबी सम अदर सीरियल कनेक्शन। ठीक है, यानी कि ये जो है टाइपिकली मतलब कुछ आसानी से इसे हम आमतौर पर एक छोटे बक्से की तरह होता है, क्योंकि उसे हम कनेक्ट करके और यूएसबी के कुछ अदर सीरियल कनेक्शन के अनुसार हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक इसी टाइप का सीरियल बस की तरह होता है, ये मेमोरी टाइप का होता है, इसमें लगा कर हम कनेक्ट करते हैं। तो मेमोरी स्टिक्स हैज़ अ हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोवाइड्स फास्टर स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। ये जो मेमोरी स्टैटिक जो है, ये एक हाई स्टोरेज कैपेसिटी प्रदान करता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत तेज़ी से डाटा को, मतलब किसी भी डाटा को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। ये मेमोरी स्टैटिक्स वेरी इन दियर साइज एंड कैपेसिटीज। कह रहे हैं ना कि जो मेमोरी स्टैटिक्स है, इसका बहुत सारे प्रकार हैं साइज में, मतलब साइज में बड़े हैं छोटे हैं, इसका प्रकार जो है कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग होते हैं, फ्रॉम 1 GB टू 128 GB। यानी इसके जो 1 GB से लेकर 128 GB होता है, बट थ्रेटोकली इट कैन बी एक्सटेंडेड एंड इन्हेंस्ड अप टू द मैक्सिमम साइज ऑफ 1 TB। यानी कि इसमें जो हम स्थानांतरित कर वितरित कर सकते हैं या इसे हम बढ़ा सकते हैं, तो 2 TB तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1 GB से 128 GB तक इसका कैपेसिटी होता है, लेकिन हम थ्रेटिकली इसे हम और अधिक ज़्यादा एक्सपेंडेड एंड विस्तारित कर सकते हैं या और इसे हम बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं 2 GB तक, 2 TB तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले कि एक टीबी में 1024 GB होता है, 1024 GB बराबर 1 TB, तो हम इसको 2 TB तक कम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 TB तक बढ़ा सकते हैं। इट इज़ अ मिनिएचर डिवाइस एंड अलाइक मल्टीमीडिया कार्ड्स। ठीक है, MMC यानी कि मल्टीमीडिया कार्ड्स। तो ये जो कह रहे हैं कि ये अवेलेबल होता है, इसको हम मिनिएचर डिवाइस भी बोलते हैं एंड कॉमनली यूज द डिजिटल कैमरा यूज इन डिजिटल कैमरा एंड मोबाइल फ़ोन्स। यानी कि अधिकतर जो इसका यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन में और डिजिटल कैमरा में इसका यूज़ ज़्यादा होता है, जो ये मिनिएचर डिवाइस है। इसके बाद इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट नेम्स। इसका नाम भी जो है अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे लाइक
इसका नाम जो है मल्टीमीडिया कार्ड्स भी बोलते हैं, MCC, सुपर डायनेमिक कार्ड भी बोलते हैं, SDC यानी कि सुपर डायनेमिक कार्ड भी बोलते हैं, और माइक्रो SD कार्ड भी बोलते हैं। तो इसका बहुत सारा नाम है, जो मेमोरी डालते हैं ना, इसका जो कैपेसिटी है ये 2 TB तक होता है। तो ये मेमोरी देखे हैं 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, इस तरह का होते हैं। तो ज़्यादातर